भाइयों और प्यारी बहनों, होली की बहुत बहुत बधाई हो। भारत में होली हंसी खुशी के साथ, रंग के साथ मनाया जाता है। नेपाल के अलावा ये विश्व भर में मनाया जाता है जहां पर भारतीय रहते हैं। पारंपरिक रूप से इसे दो दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है और दूसरा दिन जिसे दुलंडी दुरंडी दुरखेल या दुली वंदन कहते हैं, लोग एक दूसरे पर रंग अबीर गुलाल फेंकते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, गीत गाते हैं और पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं, फिर से दोस्त बन जाते हैं। रंगने रंगाने का, गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। उसके बाद नहा धोकर लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, राम राम करते हैं, गुंजिया नमकीन ठंडाई का आनंद लेते हैं। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। राग अर्थात संगीत, रंग इसका प्रमुख अंग है और इस समय प्रकृति भी रंग बिरंगे यौवन पर होती है। इसे फागुनी भी कहते हैं क्योंकि ये फागुन माह में मनाया जाता है और ये बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है, तब से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिली होती है और गेहूं की बालियां नाच रही होती हैं और इसी तरह से चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। प्राचीन काल में ये विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार के सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था। वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रष्टि यज्ञ कहा जाता है। उस दिन खेत में अब पके अनाज को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान है, इसीलिए इसे होलिकोत्सव कहते हैं क्योंकि अन्न को होला कहते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नव वर्ष का भी आरंभ होता है क्योंकि इस उत्सव के बाद चैत्र महीना शुरू होता है और फिर चैत्र के नवरात्रे आते हैं, नव संवत का आरंभ होता है। इसी दिन मनु का जन्म हुआ था। मिनी के पूर्व में मानसा सूत्र, कथा ग्रह सूत्र, नारद पुराण, भविष्य पुराण जैसे पुराणों में, हस्तलिपियों में, ग्रंथों में इस पर्व का उल्लेख मिलता है। अलबरूनी ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। मुस्लिम कवि भी इसके बारे में लिखते हैं। मुगल काल में अकबर का जोधाबाई के साथ और जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। शाहजहां के समय तक होली का नाम ईदे गुलाबी या आबे पाशी, जिसको रंगों की बौछार कहा जाता है, हो गया था। अंतिम बादशाह बहादुरशाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है, होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने आते थे। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। मेरे कान्हा के ब्रज की होली आज भी सारे देश में आकर्षण का केंद्र है। बरसाने की लठमार होली काफी प्रसिद्ध है। पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़ों के बनाए हुए कोड़ों से मारती हैं। मथुरा और वृंदावन में ये 15 दिन तक चलता है। गुमाऊ में गीत बैठकी में शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियां होती हैं और कई दिन तक चलती रहती हैं। हरियाणा की धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को स्थाए जाने की प्रथा है। बंगाल की ढोल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जुलूस निकलते हैं, गाना बजाना होता है। महाराष्ट्र की रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने की, गोवा के शिमगो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन और पंजाब में होला मोहल्ला में सिखों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परंपरा है। तमिलनाडु की कमल पोंडिगई मुख्य रूप से कामदेव की कथा पर आधारित वसंतोत्सव है, जबकि मणिपुर में याओसांग उस नन्ही झोपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन नदी और सरोवर के तट पर बनाई जाती है। दक्षिण गुजरात में आदिवासियों के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की होरी लोक गीतों की अद्भुत परंपरा है। मध्य प्रदेश का यह मशहूर त्योहार है भगोरिया, इसी का रूप है। बिहार का फगुआ जमकर मौज मस्ती करने का पर्व है। नेपाल की होली में
इस पर धार्मिक सांस्कृतिक रंग दिखाई देता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रदेशों में प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे इक्स्कॉन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग प्रकार से होली मनाई जाती है। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में स्वयं को ईश्वर मानने लगा था और उसने अपने राज्य में ईश्वर के नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी थी। उसी का बेटा प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर उसको कठोर दंड दिए गए, परंतु ईश्वर की भक्ति का मार्ग उसने कभी छोड़ा नहीं। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वो आग में बैठे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर, क्योंकि उसको वरदान था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती है। आग में बैठते ही होलिका तो जल गई पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप में यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलने की लकड़ी जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद अक्षुण रहता है। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ढूंढी राधा कृष्ण के रास कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा है। यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियां ग्वालों ने रास लीला की और रंग खेला। लोग शिव की बारात का दृश्य भी बनाते हैं। होली हमारे समाज में एकता, शांति और प्रेम और खुशी का संदेश देती है। सब धर्म के लोग इसे मनाते हैं और अखंडता और एकता का संदेश देते हैं। भक्तिकालीन और रीतिकालीन कवियों ने भी इसको बहुत महत्व दिया है। भक्तिकालीन कवि सूरदास, रहीम, रसखान, पद्माकर जायसी, मीराबाई, कबीर तक ने इसके बारे में लिखा है। महाकवि सूरदास ने वसंत एवं होली पर 78 पद लिखे हैं। मीराबाई की होली आज भी याद आती है जो वो कान्हा के साथ मनाती थी। रंग भरी राग भरी राग सुभरी री होली खेलिया साम संग रंग सुभरी री होली खेलिया श्याम संग रंग सुभरी री उड़त गुलाल लाल बादला रो रंग लाल पिचका उड़ामा रंग रंग री झरी री होली की बहुत बहुत बधाई।